हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज बॉइल्ड अंडे की भुर्जी बनाने जा रहे हैं। अंडा भुर्जी आपने बहुत टाइप की खाई होगी, पर इस तरह की अंडा भुर्जी आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको ये अंडा भुर्जी कैसी लगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बॉयल्ड अंडे की भुर्जी। उसके लिए हमें चाहिए ये 6 अंडे, मैंने 8-10 मिनट के लिए बॉईल करके इसके छोटे छोटे पीसेस करके लिए है। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने बारीक कट करके लिए है। 3 हमने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसे भी बारीक कट कर लिया है। ये 1 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च हमने बारीक कट करके ली है। थोड़ी हमें धनिया पत्ती लगेगी। 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट है, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट है। 2 हमने हरी मिर्चें बारीक कट करके ली है। ये कुछ मसाले हमको लगेंगे, जिसमें हमने 1 बड़ा टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून हमने पाव भाजी का मसाला लिया है और नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बॉइल्ड अंडे की भुर्जी। गैस ऑन करके उसके ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है। इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ये 1 टेबलस्पून हम बटर डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसलिए हम तुरंत इसमें प्याज डालेंगे। बटर डालने से ये अंडा भुर्जी बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी हम इसमें ये शिमला मिर्च ऐड करेंगे। दो मिनट के लिए शिमला मिर्ची को भी हमने प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। अभी ये हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के 1-2 मिनट हो चुके हैं, वो भी अच्छे से भून चुका है। अभी हम ये टोमेटो इसमें ऐड करेंगे। टोमेटो को हमें अच्छे से पकने देना है। इसके ऊपर हम ढक्कन रख के इसे पकाएंगे। ढक्कन खोल के हम चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टोमेटो पक चुके हैं। थोड़ा सा हम इसे ऐसे ही मैश करेंगे और बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। मसाले हमने जो लिए हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, पाव भाजी मसाला और नमक, ये सब हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्जी का कलर देखिए आप, कितना अच्छा आया है। अभी ये 2 मिर्ची हमने बारीक कट करके ली थी, ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम धनिया पत्ती डालेंगे इसमें। और वापस से 1-2 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। ये हम ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी जो एग्स हमने बॉईल करके लिए है, छोटे पीसेस में करके लिए है, वो इसमें ऐड करते हैं। अंडे हमारे ऑलरेडी बॉईल है, इसलिए ज़्यादा उसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है हमें इसे।
इसको धीरे हाथ से एकदम फिर हमने इसे मिक्स कर लिया है और हमारी अंडा भुर्जी बनके तैयार हो चुकी है, बॉयल्ड अंडे की भुर्जी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अच्छी बनी है। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के एक मिनट के लिए इसे गैस के ऊपर रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अंडा भुर्जी बनके तैयार हो चुके हैं। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर ये मेरी यूनिक बॉयल्ड अंडे की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, इससे आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। और आप इंस्टाग्राम पे है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है meena.cooks, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।